अनंत जन्मों का नाता। काका साहेब दीक्षित ने सबसे पहले वर्ष 1909 में साई के दर्शन किए। साई ने अपनी चुंबकीय शक्ति से उन्हें खींचा था। प्रथम दर्शन के समय साई ने दीक्षित से कहा था, मैं काफी समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। दीक्षित को दिया हुआ वचन साई ने अपनी महासमाधि के बाद पूरा किया। वस्तुतः ये सब ऋणानुबंध के कारण ही है। तो आइए अनंत जन्मों का नाता इसका गायन और पारायण करते हैं। साई 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 राम साई श्याम साई नायक तुम ब्रह्मांड के तुम अवतारे संत हर जन्म की है तुम्हें बातें ज्ञात अनंत निज भक्तों के साथ में है तेरा अनुबंध जन्म जन्म का साथ है जन्मों का संबंध हर प्राणी का जानते साई तुम इतिहास कब वह तुमसे दूर था कब था तेरे पास साई ऋण अनुबंध ही खींच रहा है डोर आए हैं इस जन्म में फिर से उनकी ओर कोई बंधन था कभी ना जाने किस काल साई फिर से जोड़ते करते सार संभाल मुंबई में मशहूर थे दीक्षित सीताराम ब्राह्मण कुल के दीप थे जन्म खांडवा ग्राम पढ़ लिख कर वे बन गए धाकड़ एक वकील शीतल शांत स्वभाव के जैसे कोई झील हुआ कभी ना सामना पड़ा कभी ना काम जा नहीं उनके साई नाम उन्नीस सौ नौ साल में आया काल सुकाल बदली नभ के छोर पर नक्षत्रों की चाल मिले सखा चांदोर कर उनको वर्षों बाद बचपन का साचर है अब तक उनको याद दोनों ने ही साथ में ऊंची शिक्षा पास की सरकारी नौकरी पाए पद थे खास नाना ने
देखा उन्हें, दिया पैर पर ध्यान, चाल देख उनको हुआ लंगड़ेपन का भान। एक पाँव से चल रहे दीक्षित टेढ़ी चाल, नाना ने पूछा उन्हें ऐसा क्यों है हाल। दीक्षित ने उत्तर दिया, सब नियति का योग, लंदन यात्रा का हुआ एक बार संयोग, रहा वहां कुछ काल तक, अच्छे थे दिन मान, आता जाता ट्रेन से नित नूतन स्थान, यात्रा के दौरान ही एक दिन फिसला पैर, ठीक कभी भी ना हुआ मिली ना अब तक खैर। जगह जगह इस चोट का किया बहुत उपचार, बड़े बड़े डॉक्टर सभी बैठ गए थक हार, यत्न किए काफी मगर सुधर सका न हाल। काल चक्र चलता चला बीत गए कुछ साल, लंगड़ा कर चलने लगा, टांग हुई कमजोर, उस पर किसी लाज का चला ना कोई जोर, नाना मन में उपजा तत्क्षण एक ख्याल, साई ने सब का हरा तीन ताप का जाल, सदगुरु साई नाथ का बहुत जगत में नाम, एक नजर जो देखते काटते कष्ट तमाम, साई कृपा से हुए लाखों लोग निरोग, चरण कमल संकट हरे हरे पुरातन रोग, नाना ने तत्क्षण कहा क्यों तुम हो मजबूर, क्या तुम करना चाहते लंगड़ेपन को दूर, साई कृपा से मिले शरणागत को त्राण, पंगु पर्वत पर चढ़े खुले बधिर के कान, तेरे पग की पंगुता कर देंगे वे दूर, तीन ताप इस लोक में किए उन्होंने चूर,
ऐसा लगता है मुझे साईं है अवतार। निराकार ने लोक में धरा रूप साकार, शिरडी नगरी में करे सदगुरु साईं वास। जाओ मेरे मित्र तुम चल कर उनके पास, साईं शक्ति दिव्य है चिंता की क्या बात। आई काली रात तो होगा शीघ्र प्रभात, अक्षम सक्षम हो जहां जोड़ो अपने तार। जाओ जाकर तुम मिलो साईं से एक बार, साईं की महिमा सुनी जागी प्रीत की डोर। उपजी श्रद्धा भावना दीक्षित भाव विभोर, मन पुलकन से भर गया हियमें उठी हिलोर। मानो बांधी मीत ने साई प्रीत की डोर, दीक्षित ने तत्क्षण कहे निज मन के उद्गार। जाऊंगा इस बार मैं शीघ्र साई के द्वार। दर्शन की है कामना, चरण परस अरमान, अंतर मन अब कह रहा सदगुरु को पहचान। तन पंगु चिंता नहीं मुझको मेरे मीत, इस सुंदरता के कभी गाता मैं ना गीत। मैं तो कहना चाहता मेरे कृपा निधान, मन मानस की पंगुता दूर करो भगवान। मन पंछी स्थिर नहीं यह है बड़ा सवाल, कोशिश करके भी नहीं स्थिर रहता डाल। बार बार यह डोलना डगमग इसकी चाल, ना जाने किस ओर ये ले जाए किस काल। दीक्षित ने निश्चित किया जाना शिरडी धाम, चरण कमल की वंदना यह है पहला काम। अंतर मन में डल गया साईं का यश गान, लंगड़ेपन की है नहीं मुझ में तनिक भी भान। सदगुरु अपने भक्त पर करता कृपा पार,
अल्प सुखों की कामना करना है बेकार। चाहे तन को ना मिले सुख शांति आराम, मन के मनोविकार को हरना साई राम। नाना बोले प्रेम से साई अद्भुत खास, निज भक्तों को खींचते डोर बांध कर पास। रहता कोई भक्त है सात समंदर पार, उसके रुख को मोड़ते साई अपने द्वार। साई का अनुबंध है जिन भक्तों के साथ, आगे बढ़कर थामते उसके दोनों हाथ। सदी बीसवीं साल नौ और नवंबर माह, दीक्षित शिरडी आ गए मन में अति उत्साह। दीक्षित ने दर्शन किए आकर साई द्वार, आंखों से बहने लगी प्रेम अश्रु की धार। साई बोले प्रेम से बीता लंबा काल, रहा जोहता बाट में तेरी कब से लाल। दीक्षित ने की वंदना भक्ति भाव अनन्य, चरण कमल को देख कर नयन हो गए धन। बाबा बोले प्रेम से मुख पर लेकर हास, अधिक वक्त तक तुम रुको इस फकीर के पास। आए अगले माह में दीक्षित दूजी बार, मन मानस के जुड़ गए साई नाथ से तार। साई सेवा में हुआ दीक्षित का मन लीन, जिसकी जैसी भावना हो जाता तल्ली, शिरडी आकर बस गया दीक्षित का परिवार। कुछ दिन तक करते रहे चरण कमल दीदार, दीक्षित के मन उपजा उत्तम एक विचार। बाड़ा होना चाहिए एक यहाँ तैयार, आते काफी यात्री पावन शिरडी धाम।
रुकने वाले पा सकें उचित यहाँ विश्राम। रख साईं के सामने दीक्षित ने प्रस्ताव, लगता यात्री निवास का मुझको यहाँ अभाव। बाबा आज्ञा आप दे सपना हो साकार, प्रतिदिन जिससे हो सके भक्तों का सत्कार। साईं ने हंस कर कहा यह है नेक विचार, दीक्षित आज्ञा है तुझे करवाड़ा तैयार। दीक्षित ने निर्माण में एक किया दिन रात, दीक्षित वाड़े नाम से हुआ वही विख्यात। सदगुरु साई ने दिया दीक्षित जी को ज्ञान, नश्वर यह संसार है नश्वर यह इंसान। जिस जग को तुम देखते वह है माया बेल, मानव मन रचता यहाँ रोज अनोखे खेल। मनुज खिलौना माटी का आनी जानी मान, नश्वर तन पर ना करो रंच मात्र अभिमान। मनुज मुसाफिर है यहाँ यह जग एक सराय, आता कुछ दिन के लिए रुके न वापस जाय। आया तू संसार में कर ले कुछ सत्कर्म, जिससे पूरा हो सके इस जीवन का मर्म। आने वाला जाएगा नश्वर यह संसार, कर सकता सत्कर्म से जीवन को साकार। साईं ने निज भक्त को दिया ज्ञान का पुंज, दीक्षित का सुरभित हुआ अंतर मन का पुंज। उनके मन की पंगुता हुई ज्ञान से दूर, षडरिपु मनोविकार के सारे हो गए चूर। चरण कमल में हो गए दीक्षित अब तल्लीन, सार्थक जीवन हो गया साई कृपा कीन। आता श्रद्धा भाव से जो साई के द्वार,
करते उसके काज वे स्वयं उठाते भार। एक दिन साईं ने कहा देता तुझे जुबान, ले जाऊंगा मैं तुझे द्रुत गति तेज विमान। हो जाए निवारण या बदले ग्रह की चाल, पूरा होगा हर वचन चाहे बीते काल। गई सदी 19वीं गुजरे 26 साल, तप्त दुपहरी ग्रीष्म की अद्भुत हुआ कमाल। आया दिन एकादशी दीक्षित बैठे रेल, संग संग हे मांड थे आगे देखो खेल। पथ में दोनों ने किया साईं का गुणगान, दीक्षित ने परलोक का बांध लिया सामान। बैठे थे जिस रूप में शब्द हुए खामोश, ना खांसी ना छींक थी शेष रहा ना होश। कंधे पर हे मांड के जाकर लुढ़का शीश, साईं ने निज यान का पूर्ण किया आशीष। साईं अपने यान में देते हैं स्थान, खिंच जाते ब्रह्मांड में सहज रूप में प्राण। तज तन के श्रृंगार को मन का कर श्रृंगार, इस तन का श्रृंगार है केवल तन पर भार। भक्त जनों से चाहते सदगुरु साईं राम, चरम लक्ष्य पूरा करें पहुँचे मुक्ति धाम। रहे किसी भी देश में रहे किसी भी छोर, भक्त साईं का हो कहीं खींचे अपनी ओर, खींचे अपनी ओर, खींचे अपनी ओर, खींचे अपनी ओर, खींचे अपनी।